अवशेषियन किसे कहते हैं, रेसिडुअल ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, कौन कौन से रेसिडुअल ऑर्गन्स के बारे में मानव सभ्यता या जैव विकास में क्या परिचय दिया, क्या अपना जैव विकास को किस तरह से समझाया, इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हम आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यानी रेसिडुअल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अवशेषियन कौन कौन से हैं और जैव विकास में इनकी क्या महत्ता है और कौन कौन से हैं उसकी भी बात करेंगे। परिभाषा भी क्या है कि अवशेषियन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द रेसिडुअल ऑर्गन्स। आइए हम समझते हैं रेसिडुअल ऑर्गन्स। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप है मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए रेसिडुअल ऑर्गन यानी अवशेषियन को समझ। अवशेषियन जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन अंगों को अवशेषी अंग या रेसिडुअल ऑर्गन्स या वेस्टिगल ऑर्गन्स कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरीर को पूर्व में इनकी आवश्यकता रही होगी या ये जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, ये पूर्व में सक्रिय रहे होंगे, लेकिन वातावरण या अनुकूलन की परिस्थितियों के कारण कालांतर में ये जो अंग थे, हमारे ऑर्गन्स थे, ये निष्क्रिय हो गए। मनुष्य के बारे में हम बात करें तो अपेंडिक्स, पूंछ, कशेरुकाएं, आंख की कंजक्टिवाइटिस इसके उदाहरण है। इन अंगों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि जीवों में क्रमिक परिवर्तन हुआ है, एक सिस्टमेटिक चेंज आया है। ये जैव विकास की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सप्लेन होता है। अब कौन कौन से अवशेषी अंग है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेत्रों की प्लीका यानी सेमुलुनेरिस जो होती है, मानव की आंख के अंदर कोण पर पाए जाने वाली एक झिल्ली है। ये जो झिल्ली है ये कुत्ते, बिल्ली और खरगोश में पाई जाने वाली निमेशक पटल का अवशेष होती है। तो ये होती है नेत्रिका की प्लीका सेमिलुनेरिस। कर्ण पल्लव पेशियां, ये भी अवशेषी अंग है। मनुष्य को कर्ण पल्लव को हिलाने की आवश्यकता नहीं होने से, यानी हमें जो ये कान है ये हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ जानवरों में हमने देखा है कि उनको हिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये मनुष्य को कर्ण पल्लव को हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो चीजें होती है ये अवशेषी अंग हो गई। अब अक्कल दाढ़, हमारे बारे में कई बार कहा जाता है कि अक्कल दाढ़ आने की उम्र आ गई है, यानी अब आपको अक्कल दाढ़ आने वाली है। तो अक्कल दाढ़ जो है मनुष्य में ये मोलर दांतों के तीसरे जोड़े का अवशेषी अंग है। यानी जो मोलर थे हमारे दांतों के उसका थर्ड पेयर यानी तीसरा जोड़ा ये अवशेषी हो गए। पूंछ कशेरुकाएं, मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है लेकिन कशेरुको दंड में चार पूंछ कशेरुकाएं पाई जाती है। यानी जहां पर पूंछ थी कालांतर से पहले की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जहां से पूंछ डेवलप हुई होगी उस स्थान पर आज भी चार पूंछ कशेरुकाएं पाई जाती है। अतः मानव में पहले कभी पूंछ रही होगी, ये इस बात को यानी जैव विकास को समझाता है। क्रमी रूपी परेशिकाएं, तो घास फूस खाने वाले स्तनियों में सेल्यूलोज के पाचन के लिए सीकम पाई जाती है। सेल्यूलोज का जो पाचन करते हैं उसके लिए सीकम पाई जाती है। अब मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, अतः ये क्रमी रूप परेशिका के रूप में अवशेषी हो गई है। तो इस प्रकार से जो हमने कहा है कि अपेंडिक्स, पूंछ, कशेरुकाएं, आंख की कंजक्टिवाइटिस, ये आपके अवशेषी अंग के उदाहरण है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।